विशाखापट्टनम से। कितना दिन हो गया यहाँ? हम लोग हो गया 21 दिन सर। 21 दिन आप लोग का जांच हुआ है कुछ यहाँ? नहीं, 11 दिन जी, 21 तारीख 11 दिन हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग का जांच हुआ है कोरोना का? कोई जांच नहीं सर, कुछ नहीं। नर्स मेडिकल आया था, क्या किया था? नर्स आया था सर, खाली रिपोर्ट नाम लेकर चला गया। रिपोर्ट में जी सर। कोई तरह का आप लोग का ब्लड या कुछ तरह किस तरह? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, खाने पीने क्या व्यवस्था आप लोग का? खाने पीने सर अपने घर से ला दे रहा। अपने घर से जी सर। यहाँ मुखिया की तरफ से या कोई सरकारी आदमी की तरफ से कोई आप लोग को भोजन नहीं दिया जा रहा? नहीं सर, बाहर से खाना आता है जी, अपने घर से आ रहा है। अच्छा, आप लोग की पूरा जो है जहाँ पे आप लोग रह रहे पूरा खुला हुआ आदमी, मतलब पूरा बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं है, आप खुला है? जी सर, खुला है। सबको आना जाना करता होगा? जी सर। है जी, नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि माने यहाँ रखने के दिन आप लोग कौन रखा? मुखिया साहब रखा। क्या बोले थे? जैसे 15 दिन ही स्कूल में रहो बोल के। खाने के लिए और ये सब सोने के लिए बिछावना ये सब? सब अपना है सर, अपना ही लेगा जी। माने कुल मिला कुछ नहीं आप लोग को दिया गया? नहीं सर, पानी भी नहीं? नहीं, सब अपना इंतजाम किया जी सर। कौन पंचायत पड़ता है? रढ़ा पंचायत। कांके ब्लॉक का है जी? कौन ब्लॉक? कांके ब्लॉक। कहाँ से आया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। कितना दिन से यहाँ पे आया? 21 तारीख। 21 तारीख, कई दिन हो गया आज? आज हो गया 11 दिन। 11 दिन। हाँ, 11 दिन में तुम लोग को खाने पीने के लिए कहाँ से खाना आ रहा है? सब घास ला दिया जा रहा है। घर से कौन देता है? मम्मी ला रहा था। मैंने अपना घर के परिवार से? हाँ। यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से कोई खाना? कुछ नहीं आया सर, कोई भोजन वोजन नहीं? कुछ नहीं आया। पानी के लिए कहाँ से व्यवस्था है? यहाँ कुआं है था। अच्छा, कुआं से बाहर से जाते हैं? दूसरा का आता है जो खाना ला रखता है उसको भरवा के लाते हैं। अच्छा, और शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? खुले में। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग रसोई घर में रह रहे हैं, यहाँ पर कौन रखा है रसोई घर में? मुखिया रखा है। अच्छा, सरकारी ब्लॉक से कोई नहीं आया था यहाँ पर कर्मचारी? कोई स्टाफ आया था सरकार की तरफ से? कोई आया था शायद। अच्छा, आप लोग का जाँच उच हुआ है यहाँ पे? कुछ कुछ नहीं हुआ है यहाँ, कुछ जाँच नहीं। कोई डॉक्टर नर्स कोई आया है? कोई नहीं आया। नर्स आया था खाली रिपोर्ट लेके ले गया सर। अच्छा, अब यहाँ पर सोने के लिए गद्दा या तकिया ये सब चादर उधर बेड नहीं दिया गया है सर? कुछ नहीं सर, अपना लगाते हैं। हाँ। खाना कहाँ से मिलता है? खाना घर से लाते हैं सर। खाना घर से? जी सर। खाना भी नहीं दिया जाता? नहीं, किसी तरह का पौष्टिक आहार दूध सब कुछ नहीं? कुछ नहीं मिलता है सर, घर से लाते हैं अपना। घर से? हाँ। अच्छा, ये चीज बताओ, नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? उधर एक कुआं है ना सर, उधर जाते हैं। वहाँ जाते हैं? हाँ। अब पानी पीने के लिए यहाँ से पीते हैं सर, वो कुआं से पीते हैं सर। कहाँ से आप लोग आए थे? हम लोग राजस्थान से। कितना दिन हो गया यहाँ पे क्वारंटाइन? हम लोग का आज 12वां दिन। 12वां दिन, 21 तारीख को हम लोग आए थे। कितना लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 10 आते। फर्स्ट दिन जांच करके हम लोग को यहाँ से ले गया डॉक्टर, दोबारा जांच ले जाया गया। उसके बाद तीसरा दिन डॉक्टर वहाँ से आए थे, वो जांच किए तो वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या जांच हुआ था जांच में? वो बुखार वाला जांच कर रहे थे, स्क्रीनिंग किया था। तो उनका शायद मशीन खराब था, उसके बाद वापस चले गए। उसके बाद 8 दिन के बाद कोई ब्लॉक के द्वारा कोई डॉक्टर आए थे, उससे पूछताछ किए कि आप लोगों को क्या मिलता है, क्या सुविधा है। ये हम लोग बता दिए कि हम लोग को जो एक जो कोलगेट ब्रश साबुन तौलिया जो सुनने में आता है जो क्वारंटाइन को रखा जा रहा है, तो हम लोग को कोई वैसा सुविधा नहीं दिया। खाना पीना हम लोग का खाना कहाँ से आ रहा है? खाना भी हम लोग का घर से आ रहा है। कोई एक दिन भी खाना यहाँ नहीं आप लोग को व्यवस्था कराया गया सरकार की तरफ? नहीं, कोई वैसा व्यवस्था हम लोग खाना करता। सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार देना था 3 टाइम, वो आप लोग को मिलता है कि नहीं? यहाँ पे कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलता, सब खाना घर से आता है। टोटल खाना घर से आ रहा है जी। यहाँ पे आप लोग पानी पीने का व्यवस्था बाहर से सरकार की तरफ से हम सबको नहीं मिला है। जो बाहर ऊपर में जो सिंटेक्स लगाया गया है, वो पहले स्कूल का ही सिंटेक्स जो लगा हुआ है, तो उसमें से जो पानी आता है वो पानी में भी कचरा आता है। वो जो काई बैठता है ना देहात में, उसको कहिए तो वो काई ही सिर्फ आता है काला काला। तो उसको हम फिर दोबारे से हम खुद भरते हैं, वो मशीन चलाते हैं, या हुआ है मशीन वहाँ पे चलाते हैं, तो वो
ऊपर को आता है तो निकलने के बाद एक बार वो कालापन निकल जाता है, दोबारा चाय छकनी है हमारे पास जो चाय दाने के लिए है उसको पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय छकनी चाय के लिए है लेकिन हम पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं उस कचरा ना आए करके। कितना दिन हुआ आप लोग यहाँ पे? आज 12वां दिन है। 12 दिन में कितना बार यहाँ पे सैनिटाइज किया गया है, साफ सफाई धोया? एक दिन भी नहीं किया गया है, उससे पहले किया गया होगा तो हमको मालूम नहीं, हम अपने से खुद करते हैं। बल्कि आदिल भाई आज भी सफाई किए, वो ब्रश लगा के फिनाइल वगैरह देखे क्योंकि बास आने लगता है। और ये रूम को भी आपने साफ? हाँ, अपने से झाड़ू लगाते हैं, कोई यहाँ पर नहीं? नहीं नहीं, ये पहले से जो किया हुआ था वो भर, अब बाद में रहने के बाद हम लोग सब अपने से कर रहे हैं। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप लोग से कहीं पूछने के लिए? कोई नहीं। खाना पीना कहाँ से मिल रहा? खाना पीना हम लोग का सब घर से आ रहा है। सब घर से आ रहा है? कोई सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से खाना पीना नहीं आ रहा है। ठीक।